कुटपेरी वेलफेयर एसोसिएशन टाउन हॉल नगर निगम मुरादाबाद रजिस्टर्ड एवं टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम मुरादाबाद के समस्त मेंबर्स एवं स्ट्रीट वेंडर्स एकत्रित होकर पीली कोठी कैंप कार्यालय पर पहुंचे और अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह से मिले और अपना मांग पत्र दिया। मांग पत्र में मुख्य रूप से अवगत कराया गया कि अभी तक नियमानुसार सुचारू रूप से कार्य कर रहे हम सब स्ट्रीट वेंडर्स विगत 45 से 50 वर्षों से टाउनहॉल क्षेत्र में अपना कारोबार करते चले आ रहे हैं और समय समय पर हमें व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम द्वारा प्रक्रिया चलती रहती है। पुरानी तहसील मल्टीपर्पज स्टोरी में हम सबको दुकान बनाकर देने की प्रक्रिया नगर निगम द्वारा सर्वसम्मति से पास हुई जो कि धरातल पर नहीं हो पाई। उसके उपरांत हम सबको कंपनी बाग वेंडिंग जोन में DPR बनाकर सारा पेपर वर्क हो गया था और जगह देने की बात सर्वसम्मति से पारित हुई थी, लेकिन वह भी प्रक्रिया अधूरी रही। इसके उपरांत हम सब स्ट्रीट वेंडर 2017 में माननीय उच्च न्यायालय की शरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होने पर आदेश अनुसार नगर निगम में हमको कुटकुट शाला बंगला गांव मॉडल वेंडिंग जोन बनाकर दुकानें आवंटित कर मूलभूत सुविधाओं सहित व्यवस्थित किया। हमने नगर निगम की बात मानकर वहां पर दुकान ले ली। कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते टाउन हॉल पर दोबारा बाजार लगने लगा और हम सब भी बाजार लगाने लगे। अब कुछ दिन पूर्व टाउन हॉल कार पार्किंग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है जो कि नियम विरुद्ध एवं पूर्णतः गलत है, क्योंकि विगत वर्षों में टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में भी सर्वसम्मति से यह पारित हुआ था कि टाउन हॉल नो वेंडिंग जोन है। इसी के उपरांत हम सब कुटकुट शाला बंगले गांव में व्यवस्थित किए गए। हम सब स्ट्रीट वेंडर्स भाइयों के साथ यह जो भेदभाव की प्रक्रिया विगत वर्षों से होती चली आई है, हम सब अब यह भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हमने ये बातें ज्ञापन के माध्यम से अपर नगर आयुक्त को अवगत कराई। इस पर अपर नगर आयुक्त ने हम सबको पूर्णतः आश्वासन दिया कि आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसमें दुकान सर्वप्रथम आपको देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दुकान बनने में अभी समय लगेगा, इसलिए आप जब तक अपना टाउन हॉल पर कारोबार करते रहिए। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष कमल कुमार, शोभना गुप्ता, प्रभा, मनोज कुमार जैन, स्वराज, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद शाकिर, स्पर्श अहूजा, दिनेश सिंह चौहान, राजू, मोहम्मद रईस, मोहम्मद आसिफ, सूरज, मोहसिन, जुबैर, पंकज, निक्की, आलम, जहांगीर, परवेज, शाहिद, रवि, शमशेर, राकेश, शब्बू आदि लोग मौजूद रहे। हमने आज ये नगर आयुक्त महोदय को अपन नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। ये पूर्व में जो हम लोग टाउन हॉल पर लगाते थे विगत वर्षों थे और हमेशा हमने नगर निगम का पूर्ण रूप से सहयोग करा है। जैसे जैसे नगर निगम ने दिशा निर्देश दिए, हम उनका हमेशा कहना मानते हुए नियमानुसार कार्य करते चले आ रहे हैं। वहाँ भी फंड लगाया, उसके अंदर जब हमें वेंडिंग जोन बनाकर जगह दी गई कुटकुट शाला में, तो हम वहाँ पर भी व्यवस्थित रूप से बैठे। लेकिन फिर जब कुछ वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर की अनुमति मिली तो हम इस्टम टाउन हॉल पर ही सब लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। अब सुनने में ये आया था कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो हम अपनी मांग ये रखने आए थे नगर आयुक्त महोदय से कि इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है तो सबसे पहले हमारा हक बनता है, ना कि किसी और का। तो इस पर हमारे अपर नगर ने पूरा किया कि कोई भी के लिए अहित नहीं होगा और कोई भी इसमें बेनिफिट मिलेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम नगर निगम के बहुत हृदय से आभारी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और अगर भेदभाव होता है तो हम इसके लिए आंदोलन के बाद दूंगे और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये फुटपाथ एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं कमल जी और इनके सभी पदाधिकारी हैं। ये टाउन हॉल के चारों ओर जो बेंडिंग जोन है, बेंडिंग लगती है जो पहले से, जिसको हमने अवैध रूप से घोषित किया था, क्योंकि इसकी वजह से यातायात बाधित होता है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण या तीन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, थाना है, महिला चिकित्सालय है, अस्पताल है, तो लोगों को वहाँ निकलने में असुविधा होती थी। इसकी वजह से इनको कुक्कुट शाला में व्यवस्थित करके एक वेंडिंग जोन बनाकर उनको दिया, लेकिन कतिपय कारणों से वहाँ न जाकर के लोगों ने पुनः यहाँ स्थापित कर लिया है। उसी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो शासन के निर्देश पे कार्य चल रहा है, उसका सौंदर्यीकरण रेट्रोफिटिंग का ये काम चल रहा है। मुझसे कुछ वेंडर्स और ये सभी पदाधिकारी मिले हैं अभी आकर के बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। इनकी मांग ये है कि हमको वहाँ से विस्थापित ना किया जाए और भविष्य में
वहाँ अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो प्राथमिकता के आधार पर इनको वहाँ पर स्थापित किया जाए। तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है और जो भी नीतिगत निर्णय इसमें होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनको आश्वस्त भी किया है कि आगामी त्यौहार के दृष्टिगत इन लोगों को कोई असुविधा ना हो, इनके व्यापार पर कोई प्रभाव ना पड़े, और जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन की जो मंशा है, जो निर्देश है, पीएम स्वनिधि योजना जो बहतोकाश योजना है उसके अंतर्गत इनको लोन की सुविधा भी हमने कराई है, इनकी व्यवस्थित बैंडिंग व्यवस्था भी कराई है, भविष्य में भी इनके हितों का ध्यान रखते हुए कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।